हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको PHP MySQL पे बना हुआ प्रोजेक्ट डिस्प्ले करूँगा जिसका नाम है ऑनलाइन टूरिज़्म गाइड। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसका फ्रंट पेज, ठीक है। अभी मैंने डेटाबेस इंपोर्ट नहीं किया है, तो पहले मैं डेटाबेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने लिखा लोकल होस्ट और PHP MyAdmin को मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक SQL फाइल है, SQL फोल्डर है, उसके अंदर एक .SQL फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ किसी टेक्स्ट एडिटर के साथ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा जो डेटाबेस है उसका नाम है टूरिज़्म गाइड PHP, और ये सारे टेबल्स मैंने इसके अंदर बनाए हैं। तो ये सारा कोड मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने SQL में जाके पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको गो पे क्लिक कर दिया तो ये डेटाबेस यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। आप देखोगे यहाँ पे टूरिज़्म गाइड PHP नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया है और उसके अंदर ये सारे टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। जो हमारा एडमिन टेबल है उसके अंदर आप देख रहे हैं यूज़र नेम पासवर्ड मैंने ऑलरेडी सेट किया है, एडमिन एडमिन। ठीक है, अब टूरिज़्म गाइड प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे कोई भी सिटी सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आपको क्या सर्च करना है। ठीक है, आपको भोपाल सिटी में, ग्वालियर सिटी में एजुकेशन वाली कोई प्लेस सर्च करनी है, तो जो भी डेटा एडमिन ने ऐड किया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब ये डेटा कैसे ऐड होगा, यहाँ पे सिटीज़ के नाम कौन कौन से आएंगे ड्रॉप डाउन में, वो डिपेंड करता है कि एडमिन ने लॉगिन करके क्या क्या ऐड किया है। एडमिन जो जो कैटेगरी ऐड करते जाएगा वो पहले ड्रॉप डाउन में आ जाएगी, सॉरी दूसरे ड्रॉप डाउन में आएगी कैटेगरी, और पहले ड्रॉप डाउन में सारी सिटीज़ आ जाएंगी। तो मैं आपको एडमिन से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो एडमिन अकाउंट में जाने के लिए मैंने यहाँ पे एडमिन लिखा और एंटर कर दिया तो ये एडमिन का होम पेज आ गया। अब मैं यहाँ पे एडमिन टाइप करता हूँ और पासवर्ड भी मैंने दे दिया एडमिन, लॉगिन पे क्लिक किया तो ये एडमिन से लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल सिटीज़ मैंने 2 ऐड की है, टोटल कैटेगरी में अभी 3 ऐड कर चुका हूँ। इस पर क्लिक करके मुझे यहाँ पे शो भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने से प्लेस कितनी है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो टोटल सिटीज़ आ जाएंगी जो भी सिटीज़ होंगी, और यहाँ पे कैटेगरी आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लेस ओपन हो रहा है तो मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। तो एडमिन फोल्डर के अंदर जाके आप देखेंगे ये सारी क्या हैं, एडमिन फाइल्स हैं। तो एडमिन के होम पेज को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मुझे लिंक चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ व्यू कैटेगरी का, सेव कर दिया। और अब मैंने फिर से इसको रिफ्रेश किया और होम पेज पे जाता हूँ, कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये 3 कैटेगरी अभी मैंने ऐड की है। कोई नया कैटेगरी ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा स्कूल, लिख देता हूँ मैं स्कूल एंड सेव कर दिया तो ये रिकॉर्ड सेव हो गया। तो यहाँ पे आपको स्कूल दिख रहा है। तो इसी तरह मैं कैटेगरी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। तो जितनी भी कैटेगरी एडमिन ऐड करते जाएगा वो यूज़र को फ्रंट पेज में शो होगी। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज हैं एंड ये हम एडिट भी कर सकते हैं।
एडिट पे जाके मैं जैसे यहाँ पे सी को कैपिटल कर देता हूँ एंड सबमिट करता हूँ, तो आप देखोगे ये एडिट हो चुका है। रिमूव करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो एंड यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सिटी ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, व्यू करना है तो व्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिटी ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ पे ऐड हो गया। अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह प्लेस ऐड करना है या प्लेस को व्यू करना है, तो ये एक प्लेस मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, इसको डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको कोई प्लेस ऐड करके दिखाता हूँ। तो कुछ भी मैंने प्लेस का नाम दे दिया। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ABCD। ठीक है, आप कोई प्रॉपर प्लेस का नाम दे सकते हैं अपना, जो भी आपको ऐड करना हो। एंड उसके बाद मुझे कोई इमेज सेलेक्ट करना है, तो अभी तो मेरे सिस्टम में कोई इमेज किसी प्लेस का नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कोई इमेज यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। प्लेस डिस्क्रिप्शन, तो मैंने कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया, डिस्क्रिप्शन ABCD। एंड लोकेशन मैंने दे दी कि किस सिटी के अंदर किस लोकेशन में है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इंद्रपुरी। एंड देन आफ्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया लैंडमार्क, हम यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ मैंने लिखा नियर YCT एकेडमी। एंड कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर ली कि ये जो प्लेस आप ऐड कर रहे हो वो एजुकेशनल प्लेस है या कोई टेंपल है या हॉस्पिटल है, तो मैंने स्कूल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ से मैंने ले लिया भोपाल एंड रेटिंग प्रोवाइड कर दिया मैंने 4। सेव पे क्लिक कर दिया तो ये रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पे यूज़र पेज पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैटेगरी में सिटी में ये तीन सिटी हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक नया सिटी ऐड किया था तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं यहाँ से सिटी को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने स्कूल को सेलेक्ट कर लिया। तो भोपाल सिटी में जितने भी स्कूल होंगे, जितने भी ऐड किए हैं, वो सर्च होके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने रैंक रैंक उसका दिया था 4, तो ये 4 स्टार आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे मैं एजुकेशन सेलेक्ट करता हूँ, तो अगर मैंने कुछ डेटा डाला हुआ है तो मैंने इसका जो रैंक दिया था वो 5 दिया था, तो यहाँ पे 5 स्टार आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल एंड सो ऑन। ठीक है, जितना भी डेटा आप ऐड करते जाएंगे कैटेगरी में, वो सारा यहाँ पे आपको डिस्प्ले होते जाएगा। एंड एडमिन से लॉगिन करके मैं अगर आपको दिखाऊं, तो आपने ये जो प्लेस ऐड की हुई है इनको आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ से, डिलीट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे शॉपिंग मॉल लेना चाहिए तो मैं इसको एडिट में जाके चेंज कर सकता हूँ। एंड ये भी आप देख रहे हैं, ये डायनामिक तरीके से यहाँ पे नंबर्स आएंगे। कैटेगरी 4 हो चुकी हैं तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, आप देख रहे हैं ये 4 कैटेगरीज हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ सिंपल टूरिज़्म गाइड प्रोजेक्ट।
इफ़ यू वांट द सोर्स कोड देन प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, एंड सोर्स कोड कॉस्ट इज़ 300 रुपीज़ एंड सोर्स कोड प्लस रिपोर्ट प्लस पीपीटी इज़ 400 रुपीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।